जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन किए हैं, देखेंगे अभी के इस वीडियो में कि अगर आपका फॉर्म फाइनल रूप से सबमिट हो गया है और आपका स्टेटस इन प्रोसेस दिखा रहा है तो कितना दिन में आपके खाते में पैसा आ जाएगा, जिनका अकाउंट किसी कारणवश रिजेक्ट हुआ है उनके लिए क्या सॉल्यूशन है, और उसके साथ साथ जिनका सभी जानकारी सही है फिर भी उनको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिल रहा है तो इसके पीछे के कारण क्या है, तो पूरा डिटेल वीडियो होने जा रहा है। ध्यान से अंत तक देखिएगा, आपके हर एक प्रश्न का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि 2023 से संबंधित। तो सबसे पहले इन सभी काम को करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आइएगा और AR जॉब पोर्टल, इस चैनल का नाम है AR जॉब पोर्टल, यही स्पेलिंग जो लिखा हुआ रहा होगा यही टाइप करके आपको सर्च करना है। और जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और सबसे ऊपर शो होगा ARjobPortals.com वेबसाइट। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना है, आपके सामने ARjobPortals.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो स्कॉलरशिप वाला सेक्शन मिल जाएगा और यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि, यहाँ पे देख लीजिए सबसे ऊपर पोस्ट है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अपना स्टेटस। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करके नीचे की तरफ बढ़िएगा। अगर आप मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिए तो सबसे नीचे यहाँ पे आपको नीचे की तरफ बढ़ना है तो सबसे ऊपर यहाँ पे एक टेबल मिलेगा, यहाँ पे 10th पास 2023 के लिंक और यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पे क्लिक हियर है। सिंपल सा आपको इस क्लिक हियर पे क्लिक करना है, नहीं आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है और यहाँ पे सर्च बटन है, सिंपल सा आपको इस सर्च बटन पे क्लिक कर देना है, मैट्रिक वाला रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करके सर्च कीजिएगा। अब देखिए जैसे मैंने एक छात्र का यहाँ पे फॉर्म टाइप करके सर्च किया तो यहाँ पे इस रूप में आ रहा है, क्योंकि इसका किसी भी कारण से रिजेक्ट भी नहीं हुआ है और यहाँ पे सभी चीज ग्रीन भी नहीं हुआ है। तो सभी चीज जब ग्रीन नहीं हुआ है तब आपको अभी वेट करना है, ठीक है। जिनका स्टेटस ऐसे शो कर रहा है उनको अभी वेट करना है। और देखिए एक छात्र का मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूं तो उनका स्टेटस यहाँ पे इस तरह आ रहा है, तो इसका देखिए यहाँ पे अगर कैटेगरी अगर आपका मिसमैच है तो वो आपको आधार कार्ड से समझिए और उसके साथ साथ आपका मार्कशीट का कैटेगरी सेम नहीं है तो उसको आपको सुधार कराना होगा। अच्छा, फिर यहाँ पे अगर आपका मान लीजिए इस तरह आ रहा है कि आपका रिजेक्ट हो गया है PMFS सर्टिफिकेट, आपका बैंक अकाउंट जो है सीडेड नहीं है आधार कार्ड से, तो आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि मान लीजिए इस कारण से रिजेक्ट क्यों गया, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस समय तो आपने बैंक अकाउंट नहीं दिया अपना, फिर भी आपका रिजेक्ट हो गया, आप जबकि बैंक खाता नंबर भरे ही नहीं है, तो आप आधार नंबर भरे थे तो उस आधार नंबर से कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है उसी में पैसा आएगा, इसी वजह से जो भी आपका मान लीजिए उस आधार अकाउंट से किसी भी बैंक में अलाउ नहीं है पैसा भेजना, तो इसी वजह से आपका रिजेक्ट है, तो आपको बैंक अकाउंट से आधार कार्ड से आपका सीडेट कराना होगा। जिनका भी यहाँ पे स्टेटस चेक करने में जिनका फॉर्म वगैरह पूरा फाइनल रूप से सबमिट हो गया है और जिनका इन प्रोसेस आ रहा है, यहाँ पे देखिए अंतिम जिन्होंने अपना पूरा फाइनलाइज कर दिया, जिनका OTP जिनका मतलब कि सभी चीज आ गया है, जिनका यूजर आईडी पासवर्ड भेज दिया गया था, इन प्रोसेस वाले लोग का पैसा आपको स्टेटस चेक करते रहना। आपका पैसा बिहार बोर्ड ऐसा दावा करता है कि जिनका भी इन प्रोसेस होगा उनका एक मंथ के अंतर अंतर उनके अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा, मैक्सिमम डेट है एक मंथ। प्रथम आपको काम क्या करना है कि यहां से आकर अपना स्टेटस चेक करना, पता करना है कि किस कारण से आपका मतलब कि यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आया। अगर आपका किसी कारण से फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो मैंने कारण बता दिया कि 2-3 कारण से फॉर्म रिजेक्ट हुआ, अधिकतर छात्रों का हो रहा है कि आधार कार्ड से आपका मतलब कि खाता वगैरह लिंक नहीं है, क्योंकि आधार नंबर आप भरे और उस आधार नंबर से जो भी खाता वगैरह आपका लिंक होगा सीडेड होगा उसी में पैसा आएगा। दूसरा कि कैटेगरी कास्ट कुछ भी डेट ऑफ बर्थ मिसमैच करा तो उसके लिए तो आपको आधार कार्ड में सुधार कराना होगा। अब मूल प्रश्न यह है कि जी मतलब कि आधार कार्ड सीडेड नहीं है तो उसके लिए यहीं पे AR जॉब पोर्टल पे यहाँ पे स्कॉलरशिप पहले चेक कीजिएगा और उसके बाद नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे सिलेबस का एक कॉलम मिल जाएगा और इसमें देखिए सबसे ऊपर लिंक है कि आधार बैंक अकाउंट से सीडेड की प्रक्रिया क्या है। सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है। देखिए इसे सिंपल वे में मैं आपको समझाऊं तो अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है और उस अकाउंट से आप आधार कार्ड से पैसा निकाल पा रहे हैं सिर्फ आधार नंबर से कहीं से भी तो समझिए आपका सीडेड है, नहीं निकाल पा रहे तो सीडेड नहीं है। चेक करने के लिए यहाँ पे पूरा जानकारी है, सीडिंग की प्रक्रिया क्या है, कैसे आप पता करेंगे कि आपका कौन सा अकाउंट नंबर सीडेड है, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, पूरा जानकारी पढ़ लेना है। मान लीजिए आप अगर तुरंत सीडेड कराए हैं आपका मतलब कि बैंक वगैरह में जाकर तो सीडेड हुआ है कि नहीं कैसे चेक करेंगे तो यहां से आप चेक कर सकते हैं, या आपको पता करना है कौन सा बैंक अकाउंट सीडेड है तो यहां पे देखिए लिखा है कि आधार कार्ड किस बैंक अकाउंट के लिए सीडेड है, यहां से चेक करें। सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है, आपके सामने यहां पे इस तरह पेज ओपन हो जाएगा, यहां पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, यहां पे आपको आधार कार्ड नंबर जो 12 अंक का आधार कार्ड पे वो डालना है और यहां पे सिक्योरिटी कोड में ये सिक्योरिटी कोड यहां पे फिल कीजिएगा और फिर यहां पे आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, उसके बाद उस ओटीपी को यहां पे जो लिखा है इंटर ओटीपी इस पे क्लिक करके ओटीपी भी आपको क्लिक करना है और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह एक पेज ओपन हो जाएगा और आपको बता
बता देगा कि अगर कोई भी अकाउंट सीडेड नहीं होगा तो लिखेगा कि आपका किसी भी बैंक अकाउंट के लिए आपका आधार कार्ड सीडेड नहीं है। अगर सीडेड होगा तो इस तरह बता देगा किस डेट में सीडेड आपने कराया है, कौन सा बैंक अकाउंट है, ये पूरा जानकारी आ जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि आपका आधार कार्ड सीडेड हुआ है कि नहीं खाता से, या एक्टिव है कि नहीं स्टेटस पर। देखिए यहाँ पे एक्टिव दिखाएगा तो समझिए सभी चीज आपका चालू है, आपके इसी खाते में पैसा आएगा। अब मान लीजिए काफी विद्यार्थी का ये प्रश्न है कि यहाँ से अगर वो चेक कर उनका सीडेड वगैरह शो कर रहा है कितना दिन लगेगा, यहाँ पे रिजेक्टेड दिखा रहा है, यहाँ से अगर स्टेटस चेक करें तो इसमें 5-7 दिन करीब करीब समय लग जाता है कभी कभी बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से ई कल्याण के पोर्टल पे अपडेट करने पे स्टेटस। किस किस कारण से स्कॉलरशिप आपका क्लास 10th का रिजेक्ट हो रहा है, कैसे आप चेक करेंगे कि आपका आधार कार्ड जो है बैंक खाता से सीडेड हुआ कि नहीं, कौन सा अकाउंट नंबर सीडेड है, पूरा आप समझें। तो इसमें सारांश में आपको बता दूं तो आपको क्या करना है कि पहले यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे स्कॉलरशिप वाला जो पोर्टल है यहाँ पे स्टेटस चेक कीजिएगा स्कॉलरशिप वाले यहाँ पे कॉलम में आगे पहले वाले पोस्ट से किस कारण से रिजेक्टेड हुआ है उसको पता कीजिएगा। अगर मान लीजिए सीडेड वगैरह आप कराए हैं नया तो अभी अपडेट हुआ है कि नहीं, वो आकर इस पोस्ट से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका इन प्रोसेस वगैरह बता रहा है तो 1 मंथ आपको वेट करना है, 1 मंथ के भीतर भीतर बिहार बोर्ड दावा करता है कि आपके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। अगर आपका सभी चीज सही है, यूजर आई डी पासवर्ड नहीं आ रहा है तो गेट यूजर आई डी पासवर्ड पर क्लिक करके अपना प्राप्त कर सकते हैं। तो मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि 2023 के लिए यही अपडेट था। जैसे ही कोई अगला अपडेट आएगा या आपके मन में और कोई प्रश्न शेष रह गया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बाकी काम यहां से आकर और सीडिंग वगैरह की प्रक्रिया भी arjobportals.com वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।